खान की बात की जाए तो अपने शो बिग बॉस को लेकर सलमान खान हमेशा एक्साइटेड होते हैं। रिसेंटली सलमान खान को जो देखा गया वो देखकर लोग काफी ज्यादा हैरान भी थे। यहाँ हम आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे एक बार फिर से खास तौर पर कि किस तरह से सलमान खान जो है अपनी बात रखते हुए लोगों को हैरान भी कर देते हैं। लोग सोच रहे थे कि सलमान की फिल्में एक के बाद एक रिलीज होगी, लेकिन आने वाले 4 महीने तक सलमान की कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। रिसेंटली कटरीना विकी की शादी के बाद ये बताया गया कि टाइगर 3 की शूटिंग के लिए सलमान निकलने वाले हैं। इस बीच उन्होंने ऐलान किया कि इस बार वो कोई भी ग्रैंड पार्टी नहीं करेंगे अपने जन्मदिन पर जो 27 तारीख को है। अब सलमान खान की बहन अर्पिता खान की बेटी आयत की भी जन्मदिन इसी तारीख को मनाया जाता है, लेकिन सलमान ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। और इसी के साथ योहान और सीमा, सलमान के भतीजे योहान और उनकी सिस्टर इन लॉ सीमा का कोविड से पीड़ित होना सलमान को बहुत डरा गया, इसलिए सलमान ने फैसला लिया कि आने वाले 4 महीने तक वो सोच भी नहीं सकते, हिम्मत भी नहीं कर सकते किसी भी तरह की फिल्म को रिलीज करने का। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, वुडंट डेयर टू रिलीज एनी न्यू फिल्म फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ आफ्टर RR। ये आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर सिर्फ कोविड की सिचुएशन ही नहीं बल्कि RRR फिल्म को लेकर भी डर सलमान खान ने जाहिर किया है। जी हाँ, आलिया भट्ट आली में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए करण जौहर और बाकी सुपरस्टार्स के साथ नजर आए। इसी मौके पर रामचरण के साथ सलमान ने गुफ्तगू किया और कहा, आई हैव ऑलवेज सीन रामचरण ओनली विद इंजरीज, ईच टाइम व्हेन आई आस्क हिम हाउ ही गॉट इंजर्ड आई एम टोल्ड अबाउट हिज वर्कआउट सेशन और शूटिंग एक्शन सीक्वेंस विच आर द रीजन बिकॉज दोज इंजरीज, सच इज द हार्ड वर्क ही पुट्स फॉर हिज प्रोजेक्ट। सलमान खान ने रामचरण की ऐसी तारीफ की और उन्होंने कहा, मेरी तो हिम्मत नहीं है और ना किसी और की हिम्मत होगी आने वाले 4 महीने तक कोई भी फिल्म रिलीज करने की, क्योंकि डायरेक्टर SS राजामौली की एपिक फिल्म RR आ रही है और इसके आगे कोई फिल्म नहीं टिकने वाली है। तो ये सलमान का था जवाब, जिसे लेकर सलमान की दिलचस्पी साफ नजर आई है। इस फिल्म को लेकर प्रमोशन उन्होंने शानदार तरीके से किया है। फिलहाल दोस्तों वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। बॉलीवुड के ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।